हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अरे पुत्री, इन छोटे छोटे हाथों से इतना काम क्यों करवाती हो? और स्वयं तुम्हें भी ये सब करने की आवश्यकता नहीं। तुम लोगों की सेवा करने के लिए आश्रम में बहुत मुनि कुमारियां हैं। माता, मैं क्षत्रानी हूँ, मुझे ब्राह्मण कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, उनसे सेवा करानी नहीं चाहिए। इसी प्रकार ये भी क्षत्रिय पुत्र है, इनके शरीर में अभी से परिश्रम का अभ्यास डालना चाहिए। हे वन देवी, आपके रहस्य तो आप ही जानती हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण की बात तो आप ही को पता होगी। हम आपको देवी मानते हैं और आपकी आज्ञा पालन करना ही हम अपना धर्म समझती हैं। माता, ये नया नाता कब से है? मेरा और आपका, माता और पुत्री का नाता बहुत पहले से निश्चित हो चुका है, उस नाते को ऐसे ही रहने दीजिए ना। वो नाता तो अमर है, उस नाते से भी तुम हमें अपना कुछ काम करने क्यों नहीं देती हो? उस नाते भी मुझे ही आपका काम करना चाहिए। वैसे भी गौतमी माँ, स्त्री की सच्ची शोभा तो तभी होती है जब एक स्त्री अपने घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करे, चाहे वो स्वयं देवी ही क्यों ना हो। तुमसे जीतना कठिन है पुत्री, अब जाओ। ये बेचारे लकड़ी उठाए थक गए होंगे और इनको भूख भी लगी होगी। नहीं नानी माँ, हम नहीं थकते, हमें भूख भी नहीं लगती। अच्छा, बड़े वीर हो ना। हाँ नानी माँ, हम बड़े वीर पुत्र हैं। हमारी माता जी कहती हैं हम बड़े वीर हैं। अच्छा अच्छा। जो सचमुच वीर होते हैं वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। माता जी, अगर हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे तो फिर दूसरों को पता कैसे चलेगा? अपने कर्मों से। हाँ, हमारे कर्मों से। हाँ, तुम्हारे कर्मों से। अब जाओ, चल कीर्ति बाला। आ जाओ लवकुश। अच्छा,
पहले नदी में जाके स्नान करना, फिर संध्या वंदना करना, अंत में गुरुजनों को प्रणाम करना। तब तक मैं तुम लोगों की रसोई बनाती हूँ। अच्छा माता जी। श्रीधर जी। गुरुदेव, बालक इन दिनों नदी किनारे वाले वृक्ष के नीचे संध्या वंदन करने लगे हैं। उस वृक्ष में जो नागराज रहते हैं उन्हें जाकर कहो कि उस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम नागराज। नागराज, गुरुदेव का आदेश है कि अब आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। गुरुदेव के मन में शंका है कि इन दिनों दोनों बालक प्रायः यहाँ आते हैं, कभी आपको देखकर कहीं डर न जाए। नहीं मनीषेष्ठ, हम कभी नहीं डरेंगे। हमारे लिए नागराज को स्थान छोड़ने का कष्ट ना दे। मुनिराज, हमारी माताजी ने कहा है कि दूसरे प्राणी से ना तो डरना चाहिए और ना डराना चाहिए। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमसे प्रेम करेंगे। नागराज, आप स्थान छोड़कर मत जाइए। हमारी माताजी कहती है कि हम सब धरती माता के संतान हैं। हम सबको यहाँ प्रेम से रहना है, इसीलिए आप यहीं रहिए। परंतु गुरुदेव का आदेश। हम अभी गुरुदेव से दूसरा आदेश लेकर आते हैं। आप चिंता ना करें, हम अभी आते हैं। अति सुंदर बात कही तुम दोनों ने। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो दिव्य है। धन्य है तुम्हारी माता। मुनि श्रीधर से जाकर कह दो कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव लवकुश की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए पुत्री, कि तुम अपने बालकों को कैसी दिव्य शिक्षा दे रही हो। गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु माता ही होती है। ये तो सब गुरुदेव का ही चमत्कार है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ करती हूँ। वन देवी, तुम भी दिव्य हो और तुम्हारे बालक भी दिव्य हैं। गुरुदेव ने हर्ष मुनि को आदेश दिया है कि अब वो दोनों को संगीत की शिक्षा देना आरंभ कर दें।
उनके लिए दो छोटी छोटी वीणाएं भी बनवाई हैं गुरुदेव ने। अच्छा? हाँ। कुश, लव, हमारी धरती और आकाश से परे करोड़ों धरतियां, करोड़ों आकाश और करोड़ों सूर्य हैं। ये सारा ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म के अधीन है। शब्द अर्थात ध्वनि, ध्वनि अर्थात स्वर। प्रकृति में 7 स्वर हैं। उन्हीं स्वरों के द्वारा संगीत की उत्पत्ति होती है। आज से हम संगीत की शिक्षा आरंभ करेंगे। वाल्मीकि से परम गुरु लव कुश जैसे शिष्य इस मणिकांचन योग से उज्ज्वल हो नियमित विद्याभ्यास करो। विश्वास जगत का पाओगे पहले निज पर विश्वास करो। बलवीर बनो युगवीर बनो नित नियमित योगाभ्यास करो। तन कुंदन हो मन कुंदन वीरत्व प्रदान करे है योग करे जग वीर का वंदन। जो शक्तियां तुम में सोई है उन शक्तियों का आभास करो। युग वीर बनो बल वीर बनो नित नियमित विद्याभ्यास करो। बलवीर बनो युगवीर बनो तुम नियमित विद्याभ्यास करो। माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो हमारा उपनयन संस्कार करेंगे। अच्छा, उपनयन संस्कार? हाँ पुत्री, अब वो समय आ गया है। अब लव और कुश का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तुमने इन्हें हमें शिष्य रूप में समर्पण किया है। हमने इनका गुरुपद स्वीकार कर लिया है। अतः अब इनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। उपनयन संस्कार के पश्चात हम विधि पूर्वक इनकी शिक्षा आरंभ करना चाहते हैं। तुम उसकी तैयारी करो। जो आज्ञा। स्वामी, आपके पुत्र का उपनयन संस्कार होने जा रहा है। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए।
वात्सल्य के आनंद से वंचित अकेला रह गया, अन्याय अपने पर किया और मौन रह कर सह गया, सुख का सुहाना स्वप्न जाने किस लहर में बह गया, ओ सूर्यवंशी सूर्य तू ये किस गहर में गह गया, इतना तेरे लेख किसी समझ न आते हैं, पुत्र पिता से पिता पुत्र से मिल नहीं पाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ शांति शांति शांति। ॐ परोपकाराय हलन्ति वृक्षाः। परोपकाराय हलन्ति वृक्षाः। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुपति मन भावन।
पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किया की प्यास बुझत न बुझाए।